नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। उज्जैन में बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया है कि प्रदेश में उनकी संख्या करीब 62 लाख है। प्रदेश की 35 आरक्षित सीटों में से 16 सीटें बलाई समाज बहुसंख्यक की है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय बलाई महासभा प्रमुख दलों से टिकट की मांग करते हुए शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बलाई समाज के जो लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं उन्हें टिकट दी जाए। इसी सिलसिले में बलाई समाज उज्जैन में एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश में बलाई समाज की 16 सीट तो ऐसी है जहां उनका बड़ी तादाद में उनका बहुमूल्य है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लोग बलाई समाज के लोग हमारी अखिल भारतीय बलाई महासभा से जुड़े हुए लोग हैं और वो जिससे राजनीतिक से जुड़ा हुआ है वो काम कर रहे हैं बरसों से, उनके लिए हम एक पैनल बना के और दोनों पार्टियों से उनके लिए टिकट मांगने की कोशिश है। हमारे बहुत सारे लोग युवा भी है, हमारे में बहुत सारी 3-4 जगह महिला भी है। हमें युवा के लिए का अलग से उसमें कोटा रखेंगे और हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी उसमें कोटा रखेंगे। आज के लिए ज़रूरी है कि हमारे युवा भी हर पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी वो भी युवा है। मध्य प्रदेश की करीब 62 लाख जनसंख्या बलाई समाज की है। हम लगभग जो है जनसंख्या के हिसाब से 3.5 से 4.5 लाख लोगों का एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश में हम हमारी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय बलाई महासभा के तत्वाधान में राज्य स्तरीय महाअधिवेशन करने की तैयारी चल रही है और उसका मूल उद्देश्य यह है कि जो मध्य प्रदेश में 35 विधानसभा सीट जो है आरक्षित, उसमें जो 16 विधानसभा सीटें हैं आरक्षित वो केवल बलाई समाज की बहुलता के कारण है। तो उस 16 सीटों में हमारे समाज को नेतृत्व दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये मांग हम दोनों पार्टियों से करते हैं, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज़ आज। फिलहाल न्यूज़ आज में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।